बर्थडे के दिन भूकंप आ रही है गाइस, बहुत जोर का अर्थक्वेक आया, मैं डर गई, हाथ कांप रहा है। मैं अपने बर्थडे पे कट करने वाली हूँ पिज्जा। गाइस तो आज है सेकंड, हे गाइस तो आज है 2 नवंबर एंड अभी मैं अपना बर्थडे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं एंड कुछ करने वाले भी नहीं करने वाले, बट मैं स्टार्ट कर दी इन केस कि अगर मेरा ब्लॉग अच्छा बन गया तो मैं अपलोड कर दूंगी। एंड या आज कुछ ही घंटों बाद मैं होने वाली हूँ 20 की। सॉरी गाइज, यू नो मेरे एज में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो आज तक मैं समझती थी कि मैं 21 की होने वाली हूँ, बट बेसिकली आज मैं होने वाली हूँ 20 की, आई मीन कुछ घंटों में। सो अभी हम बाहर से आए थे, अपने बर्थडे की शॉपिंग करने में गई थी। आप लोग वाला ब्लॉग देख लेना जिसमें मैंने लिखा था बर्थडे पैम्परिंग वाली। सो अभी हम बाहर से आए तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं और मेरी सिस्टर, तो बहुत ज़्यादा हमें यू नो इनका सर दर्द हो रहा था, तो मैंने इनके लिए चाय बनाई है, सी वहाँ पे रखी है क्योंकि इनका सर दर्द हो रहा है। एंड इन्होंने ब्लिंकिट से डेकोरेशन का सामान मंगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा भी डेकोरेट नहीं किया है। तो गाइज मैंने स्वरा के लिए माधुरिमा से कुछ पेस्ट्री और ये सब मंगाया है। ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप किया है एक, और ये एक रेनबो केक और एक कपकेक है, और ये जो है ना ये ब्लूबेरी चीज़ केक है, स्मॉल केक, और एक केक भी है मैंगो फ्लेवर का, वो मैं बाद में दिखाऊँ। सी गाइस ये देखो, इन्होंने डेकोरेशन का सामान लिया है, येलो बैलून क्योंकि 2 दिन बाद इनका भी बर्थडे है मेरी बहन का, तो एंड ये कैंडल्स बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इन्होंने वैसे ये छिपा के रखा था बट मुझे पता चल गया क्योंकि जब ब्लिंकिट वाला आया तो मैं ही गई खोलने के लिए, एंड आई वाज लाइक कि यार ऐसे कौन सरप्राइज देता है। सो यार गाइस हम ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, आई मीन ब्लॉग बना रहे हैं। डेकोरेट नहीं होगा ये वापस कर देंगे। दीदी बताइए आपने डेकोरेट क्यों नहीं किया, इनका प्लान था यहाँ पे ये डेकोरेट करेंगे। सर दर्द हो रहा है, अभी मैं करूँगी, यहाँ पे करूँ कि वहाँ करूँ, गाइस आप लोग कम कर देना, उसके पहले मैं डेकोरेट कर लूँगी। अभी तक ये ब्लॉग वैसे मेरे यू नो बर्थडे जब मेरा हो जाएगा तब आएगा ये ब्लॉग। सो यार अभी मैंने ऑर्डर किया है पिज्जा, क्योंकि आप बोलोगे कि हम हर ब्लॉग में पिज्जा खाते हैं, मेरा मन। हाँ आई थिंक केक भी मंगवाया, केक मंगवाया है, केक मंगवाया मैंने फ्रिज में देखा बट मैंने खोला नहीं क्योंकि आई वाज लाइक की बेचारी यू नो कर रही है तो करने दो यार सरप्राइज, थोड़ा सा तो रहने दो। नींद आ रही है, नींद तो हम 12 बजे लेट सी 12 बजे केक काटेंगे। अगर आपने चॉकलेट केक ऑर्डर किया हुआ ना तो देख लेना, मुझे चॉकलेट केक अभी बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, खुल नहीं रहा, ले रहा है बिकॉज यू नो मेरे नेल्स हैं तो मैं खोल नहीं पा रही हूँ। व्हाट द हैक यार, जो फोटो था उसमें बहुत अच्छा पिज्जा था। ए संची टेस्ट करके देखती हूँ कि चीज है कि मेयो है, मेयो है। ऐसा क्यों होता है, वो लोग फोटो क्या पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके डालते हैं क्या, इतना वाहियात पिज्जा इस और ये दो पिज्जा 500 में है, 500 में है ये पिज्जा और 400 में इतनी चीजें खाई थी। मतलब यार मैं अभी वो करूंगी, रेटिंग करूंगी, लिखूंगी भाड़ में जाओ पिज्जा बनाना पहले सीखो। यार ये क्या हो रहा है, जस्ट लुक एट दिस, इसको देख के आपको खाने का मन करेगा? नहीं मैं फिर भी खाऊंगी क्योंकि मेरा पैसा लगा है, इसको कट भी नहीं किया है ससुर के नाती। Happy birthday to you. चाय पी लीजिए ठंड। ये देखो गाइस डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है और मुझे हंसी आ रही है बेचारी को देख के, लेकिन मैं हेल्प नहीं करने वाली। Hey guys, तो फाइनली मेरी बहन स्टार्ट हो गई है गुब्बारा फुलाने की। अभी सिर्फ 2 ही गुब्बारे हुए हैं, जल्दी फुलाओ बेटा। मैंने इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि ये डेकोरेट करे, बलून फुलाए, चुपचाप बलून फुला समझी। सो गाइज अभी स्वरा सो गई, मैंने उसको मार मार के सुलाया है कि तुम सो जाओ, सो और देखना मत, और ये सो गई है और मैंने डेकोरेशन किया है। मैंने कितना डेकोर किया आपको दिखाते हैं, ये किया है मैंने अभी, इतना कर लिया है, बाकी का मैं अभी कर रही हूँ। मैंने उसके लिए बलून खरीदा था, ये वो बोल रही थी उसको ये चाहिए, और मैं पहली बार व्लॉग कर रही हूँ ऐसे। सो गाइज मेरी बहन मेरे लिए डेकोरेट कर रही है एंड मैंने चाहती हूँ कि जो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है तो मैं उसका उनका सरप्राइज खराब करूँ, इसीलिए मैं
कब से यहाँ पे इसके अंदर लेटी हुई बेचारी, कब से बलून फुला रही है। मैंने बलून भी नहीं फुलाया एंड या देखो मैंने पिंकी के लिए छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, ये इसका प्री बर्थडे गिफ्ट था, वैसे बर्थडे गिफ्ट तो नहीं है बस प्री बर्थडे गिफ्ट था, जो कि ये क्लिप है इसके लिए जो कि सेम इसी की तरह लग रही है। एंड मैं और पिंकी दोनों एक साथ इस यू नो ब्लैंकेट के अंदर हैं, क्योंकि मेरे बर्थडे के दिन पिंकी का भी बर्थडे आता है, क्योंकि लास्ट बर्थडे में मेरी बहन ने इसको गिफ्ट दिया था मुझे। सो या इसका भी बर्थडे 3 नवंबर को है, तो हम दोनों अंदर हैं। एंड जब तक मेरी बहन नहीं बोलेगी तब तक मैं निकलूंगी नहीं बाहर, क्योंकि वो मेरे लिए सरप्राइज़ रख रही है छोटा सा। तो आई एम हैप्पी कि शी इज़ डूइंग समथिंग फॉर मी, तो मैं भी रिस्पेक्टफुली इसके अंदर हूँ, इस ब्लैंकेट के अंदर। कब से लेटी हुई हूँ, मैं सोच रही मैं सो जाऊँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ। तो ऑलमोस्ट इतना डन किया मैंने, उसको बाहर मैंने बंद किया है, बाहर ही रहेगी वो, पूरा मेल्ट हो रहा है। आओ यार, सच में बहुत अच्छा, सच में यार बहुत अच्छा हुआ है। पहले कैसे करूँ यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, ऊपर देखो यहाँ पे देखो हर जगह वो पिंक भी बैठती है। वहाँ रहा मेरा बर्थडे केक, मतलब मैंने कितना गंदा, ओ एक सेकंड, अच्छा ये था स्पेशल। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दैट माय सिस्टर डिड दिस। मतलब गाइस तो ये बार बार नीचे गिर जा रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एंड हमारा केक भी पूरा पिघल गया। वाओ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हां तो गाइस ये रो रही थी अभी क्योंकि मैं इसको भाव नहीं दे रही थी, इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। सो हमारे इस यू नो इसमें कोई आया भी नहीं, क्योंकि हम फ्लैट में किसी को जानते भी नहीं है, किसी को बुलाए नहीं हम, और ये सब देखिए आप, मैं सबको फोड़ दूँ। डोनट का खाना है अभी, तो ये तो निकालो, बहुत मीठा है। छी ऐसे चाटता कौन है, लॉलीपॉप यम्मी ना, और वेरी मीठा है, सारी चीज़ें बहुत ही ना चॉकलेटी चॉकलेटी है। मिठाई तो होगा, तुम पैदा हुई थी तो मिठाई तो खाए सब। ये केक है स्मॉल मिनी केक, और ये कट नहीं होगा, ब्लूबेरी और ये चीज़ होगा। बट नमस्ते, तो हम जाते हैं अपना कूड़ा फेंकने, मतलब जो हमने फैलाया है उसके बाद मिलते हैं, बाय गाइस। आपको कैसा लगा कि मैं इस दिन पैदा हुई हूँ? कुछ नहीं लग रहा है मुझे, इतने लाल पिंकी के लिए मैंने ये खरीदा था गाइस, देख लो। अब जी मैंने पहले ही बता दिया मैंने खरीदा था, झूठी पकड़ी गई। मेरे बाल में चल पिंकी, हाथ पकड़ बाल में कहते हैं, चल पकड़ हाथ। पिंकी को स्पेशल केक कटाएंगे, पिंकी को हम चीज ब्लूबेरी केक कटाएंगे। हैप्पी बर्थडे, ये सारे केक क्यों पिघल रहे हैं, क्यों मैं इतनी हॉट हूँ क्या पिंकी? हैप्पी बर्थडे गाइस, पीछे भूत है मम्मी। मतलब हमारा ब्लॉग ऐसा रहता ना कि हम फन करते रहते, बहुत गंगा गाइस, बहुत गंगा। कब खाना मैं चीज केक, मैंने आपको बोला था मुझे चीज केक खाना ही नहीं है। एंड गाइस प्लीज इग्नोर दिस बैकग्राउंड मेस, सॉरी पिंकी। हैप्पी बर्थडे मेरा पिंका, चलो पिंकी थैंक यू बोल दो। थैंक यू नहीं बोला, अगर इसने थैंक यू बोल दिया ना दीदी हम सबकी फटेगी। नहीं प्लीज नो, प्लीज नो, सारे गुब्बारे इन्होंने फोड़ दिया। अभी रात के 4 बज रहे हैं, मतलब सुबह होने वाली है, एंड हमने अभी बेरोज जो भी है वहाँ से बिरयानी मंगाई है, वेज बिरयानी है, एंड हम दोनों खा रहे हैं। वाओ, अभी बज रहे हैं 3 एंड ये सो रही थी बिकॉज ये सुबह जल्दी उठ गई थी। 3 बजने वाले हैं एंड हमने स्विगी से मंगाया है, पेटीज में आया था, मैंने सोचा मैं 6 बनाऊंगी बट मैं एडिटिंग करने लगी तो मैं वो भी नहीं बना पाई। एंड हमने मंगाया है बटर पनीर एंड नान, तो हम वही खाएंगे। तो ये है बटर पनीर एंड इट इज नान एंड ये ओनियन है, बस कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया इन्होंने, कुछ बनाया ही नहीं मैंने, कुछ खाया सुबह तो खाई हो ना, मतलब क्या रात भी नहीं, रात में हमने, हाँ वही हम रात भर जगे थे फिर हम सो गए एंड मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, तो अभी मैं नहाऊंगी फिर मैं शाम को पूजा करूंगी घर पे। मैं इसे खा ही नहीं पा रही हूँ, मतलब ये मुझसे टूट ही नहीं रहा। कैसा लग रहा है तुम्हें पूछना, बहुत गंदा हो चुका था, सारे
बलून्स और ये सारे, इसमें बलून, इसमें जो टेप हमने चिपकाया था ना, मतलब जो टेप इन्होंने चिपकाया था ना बलून से, वो सारे हमने रात में फोड़ दिए थे, तो पूरे फर्श पे पूरे चिपक गए थे, तो मैंने टेप से निकाला, मतलब बहुत गंदगी हो गई थी। अभी 5 बजने वाला है, मतलब मैं अभी नहा के आई हूँ, बट लाइक मैंने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। किचन भी क्लीन कर दिया है, यहाँ पे पूरा सामान सामान फैला हुआ। किसी को देखा है अपने बर्थडे के दिन ऐसे पोछा लगाते हुए? बेचारी लड़की पोछा लगा रही है, वाह। तो हमारे पास पोछा नहीं है क्योंकि हम पोछा नहीं लगाते, तो हम ये टेक्निक है हमारा वाइपर में ऐसे पोछा लगा करके लगाने का। तो कल का पड़ा हुआ था बर्तन, मैंने इतने बर्तन साफ़ किए और ये किचन क्लीन कर दिया है, और ये स्वरा जो है ये पोछा लगा रही है अपने बर्थडे के दिन, बेचारी लड़की। अच्छे से लगाओ पोछा। ओके गाइस, तो हम कहीं तो जा रहे हैं, मेरी बहन मुझे कहीं तो लेके जा रही, मुझे नहीं पता, मे बी इन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हो और ये मुझे बता नहीं रही है। हो सकता है इन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हो क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ इनकी, एंड या तो हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज, तो ये मुझे कहीं भी लेके जा रही है, एंड मैं गेस भी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन। लेकिन आपने 6 बजे का टाइम दिया, कब 6 बजे का टाइम दिया, कब किया आपने? तुम सो रही थी, पहले से किया था, 6 बजे का टाइम दिया ताकि रात ना हो में, क्योंकि हम टाइम से घर भी आना होता है ना। हाँ, सो या गाइज, सो वी आर गोइंग, एंड मुझे समझ में नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने इसके पहले वाला ब्लॉग देखा होगा कि मैंने अपने बर्थडे का ड्रेस लिया ही नहीं, एंड क्या अगर मुझे कल मैं गई थी नायका फैशन में, तो वहां पे मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा था, बट वो ड्रेस फटी हुई थी गाइस, तो हमने लिया नहीं, ऊपर से वो ड्रेस महंगी भी थी, और थैंक गॉड की 4-5 thousand, थैंक गॉड की दीदी ने देख लिया कि वो ड्रेस पीछे से फटी हुई थी, एक्चुअली इसमें फ्लेयर्स बने हुए थे ना, तो वो पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ फटा है कहाँ नहीं, बट थैंकफुली इन्होंने देख लिया एंड हमारे पैसे बच गए, एंड बट साइज भी एक ही था, नहीं तो हम दूसरा, साइज भी हाँ, और वो थोड़ा सा टाइट भी हो रहा था। सो अभी हम जा रहे हैं, एंड आप देख सकते हो कि हमारा पूरा ये जो कल डेकोरेशन शाम सब खराब हो चुकी है, पहले पहुंचना है, अभी ठंड आ रही है, तो हम जल्दी शाम भी हो जाते हैं ना। हाँ, तो एंड हम लड़की जाते हैं, तो हमें जल्दी मेरे पास 2 ड्रेस है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इन्होंने रेस्टोरेंट में कुछ करवाया होगा, मैंने आपको जो सूट दिखाया था, मैं उसमें से एक सूट पहनूंगी क्योंकि मैं ज्यादा कम्फर्टेबल हो रही हूँ आजकल कुर्तीज में, क्योंकि तो आप ये मेरी संतूर वाली मम्मी लगेंगी। हाँ, क्योंकि सब कहते हैं कि आप इसकी मम्मी हो क्या, तो मैं इसलिए इसकी मम्मी बनके जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसको फील ना हो कि मम्मी नहीं है बेचारे बच्चे की, इसलिए मैं इसकी मम्मी बनके जाऊंगी। एंड गाइस, मैंने अपना मैंने पनीर लगाया था, तो यहाँ गिरा दिया है, डोंट माइंड। हाँ, इसके भी मेरे पास 2 ड्रेस है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड मुझे समझ में नहीं आया, मुझे जल्दी रेडी होकर दिखाओ। मुझे मुझे छोटी है कहती है मैं इससे बड़ी हूँ, देखो बड़ी हूँ तो मैं ही तो बड़ी रहूंगी, छोटी है और छोटी छोटी हूँ मैं, ये छोटी है, प्लीज इग्नोर दिस फेस, क्योंकि आईफोन में बहुत ज्यादा रियल आता है, मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ, मैं थोड़ी सी सुंदर दिख रही हूँ, बट ये बहुत अजीब सा मेरा फेस लग रहा है। मैं तो नहीं आ रही। नहीं, आप नहीं आ रही, आप कैसे आएंगी? अरे यार, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो नहीं आ रही है, बैठे कहाँ आ रही है। ओके बाय गाइस, मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। तो मेरे पास ये ड्रेस है, एंड ये थोड़ा सा यू नो पार्टी वेयर है, वैसे मैंने इसको बैकअप के लिए रखा था, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, एंड मैं बता दूं ये बहुत डाउन टू अर्थ है, ये ड्रेस इसने मीशो से मंगाया है गाइस, 300 रुपए की ड्रेस और बहुत अच्छी लग रही थी, मैं इसको 5,000 की ड्रेस दिला रही थी, बट इसने बोला नहीं दीदी मेरे पास ड्रेस है भी, और वो ड्रेस वैसे वो उसका लेने का भी थोड़ा मन नहीं था, बट ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मतलब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। देखो ड्रेस का ये नहीं होता है कि सस्ता हो या फिर महंगा, हाँ। मुझे यू नो पसंद आ जाती है सस्ते से सस्ती चीज तो मैं ले लेती हूँ या फिर महंगी, हाँ। तो अच्छा दिखना चाहिए बॉडी पे, हाँ। और ये है दूसरी वाली ड्रेस, ये भी यू नो मीशो की है, यू नो सो वैसे किसी को पता थोड़ी नहीं चलेगा कि मैंने मीशो का पहना कि नहीं, अगर मैं अच्छे से तैयार होगी मेकअप वेकअप कर लिया, तो किसी को ये थोड़ी ना पता चलेगा कि ये मीशो का है कि कहाँ गया। वैसे सारे ड्रेसेस अगर आप ये देखोगे ना, सर्च करके यही करते हैं हम, प्लान नहीं रहता है कि हम बर्थडे पे क्या पहने, वही मैं इन लोगों को बता रही थी, मतलब लड़कियां होती है हर एक चीज पहले से प्लान कर लेती है, फोटोशूट एवरीथिंग, हम नॉर्मल रहते हैं, ऐसा नहीं बर्थडे है तो कपड़े लो, ऐसा कुछ नहीं, वैसे हम नॉर्मली लेते रहते, इसलिए हाँ नॉर्मली लेते रहते, इसलिए पता है जब हम छोटे थे ना तब ऐसा होता था कि साल में हम 2 से 3 कपड़े लेते थे, वो भी फेस्टिवल पे, तो ऐसा होता था कि चलो कपड़े ले लेते थे, पहले तो मैं रोती भी थी यार मेरे बर्थडे पे कपड़े नहीं लिए जा रहे थे, बट अभी ऐसा हो गया कि डेली हमारे इतने पार्सल आते हैं ना, तो हम लाइक ऐसे रहते हैं कि छोड़ो जाने दो, तो छोटे थे तो ऑनलाइन कर वो नहीं था, ऑनलाइन ऑनलाइन है, तो मैंने पहन दिया अपना, एंड दूसरी आप ये पहना लीजिए,
दूसरी ये दीदी बट ये गाइस ये थोड़ा उसमें है ना वेलवेट में है ना वेलवेट में है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग बताओ ये ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। ये लगा रही है फिंगर से लगा रही हूँ सो डोंट माइंड गाइस। तो मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ी सी आई मीन थोड़ी सी नहीं मतलब मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। मैंने वही नॉर्मल जो मैं डेली मेकअप करती हूँ मैंने वही किया ऐसा कुछ अलग सा नहीं किया बस मैंने यू नो नेल्स मैंने लगवाए हैं। तो या ये मेरी सिस्टर ने मुझे यू नो प्री बर्थडे गिफ्ट दिया था। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं कौन सा लूँ। इन्होंने बोला था कि तुम बताओ मतलब ऐसा सरप्राइज गिफ्ट नहीं था इन्होंने मुझसे पूछ के लिया क्योंकि यू नो शेड इनको चाहिए था कि मैं बताऊँ। तो ये इन्होंने लिपस्टिक लिया है तो ये है बिल्कुल रेड कलर की मैं अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है सो तो मैं ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी रेड। आपको भी पता है कि मैं उतना रेड लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ ऑलमोस्ट मैं हमेशा ब्राउन लिपस्टिक लगाती हूँ बट ये सामने से अभी कैमरे में पिंक दिख रहा है बट यू नो सामने से एकदम जो ब्लड वाला रेड होता है ना ये मेरे हाथ पे ब्लश लगा है मैं लगा रही थी क्योंकि नेल से मैं निकाल नहीं सकती थी तो मैंने ऐसे निकाला था नहीं रेड कारपेट। आई गेस ये महंगी लिपस्टिक है तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी मैं कुछ भी खाऊंगी तो निकलेगी नहीं वैसे ऐसा नहीं है हम कुछ भी खाते निकल ही जाती है बट या मैं इसको लेके जाऊंगी एंड मैं आपको फाइनली अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। आप लोग बताना कैसी लग रही है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं आई शेडो लगाऊं कि ना लगाऊं बट आई गेस मुझे आई शेडो नहीं लगाना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड आई वेयर आई शेडो बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आई शेडो लगाने के बाद थोड़ा लुक बहुत हैवी लगता है ना। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आई शेडो लगाना चाहिए बट शी इज डूइंग आई शेडो यू नो ऑन हर आईज सो मैं सोच रही ना कि मैं आई शेडो नहीं लगाती क्योंकि पता है आई शेडो लगाने के बाद लुक इतना यू नो हैवी लगता है तो मैं चाहती हूँ मैं सिंपल ही रहूँ आज के दिन बंदर ना बन जाऊँ। वैसे लोगों को मेकअप नहीं करना आता बट सी She is ready. Guys, तो मैंने गले में ये पहन लिया ये ऐड किया नेकलेस ये मैंने मजनू का टीला जो कोजा स्टोर है ना जहाँ पे क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती हैं वो वहाँ से मैंने खरीदा था अपनी बहन के लिए बट उन्होंने बोला कि पहन लो तो मैंने पहन लिया। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा मैंने इयर रिंग्स भी नहीं पहना फिलहाल मेरे पास इयर रिंग्स था बट मैंने वो नहीं पहना। दीदी थोड़ा स्लो कर दीजिए वीडियो बना रही हूँ। सो ये है वो सैंडल ये मैंने सरोजनी से लिया था तो मैंने पैर में ये पहना। नाउ वी आर गोइंग सो रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगा 15 मिनट लिफ्ट का वेट करो फिर आई थिंक लिफ्ट भी एक दो ख़राब थी एंड उसी टाइम बहुत सारे वर्कर की छुट्टी भी हुई थी तो वो घर जा रहे थे। हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में एंड मुझे लगता है मुझे सरप्राइज देंगी बट ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे आए हैं हम कुछ खाएंगे इन्जॉय करेंगे एंड मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज बाहर गाना चल रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा। सो या ओके वी विल हैव सम फूड। Later that night. बर्थडे के दिन भूकंप आ रही है गाइस बहुत जोर का अर्थक्वेक का है मैं डर गई और आज मेरा बर्थडे है। ओह माय गॉड सारे सोसाइटी के लोग नीचे आ गए मैं तो डर गई मेरा हाथ कांप रहा है। मेरे बर्थडे के दिन दुनिया हिल रही है हम नीचे आ गए पूरे सोसाइटी के लोग नीचे आ चुके हैं। दीदी कैसा था एक्सपीरियंस बहुत देखा यहाँ पे जो गाड़ी थी वैसे से हिल रही थी बहुत ज़्यादा बहुत तेज देखो हिला डाला ना। तो उसके बाद मैंने मम्मी पापा से भी बात की कि गोरखपुर में भी यू नो अर्थक्वेक आया था एंड या दैट वाज इट फॉर माय बर्थडे ब्लॉग।